लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त और मंडल क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध राज्य स्तरीय लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच वाराणसी और इलाहाबाद टीम के बीच खेला गया, जिसमें वाराणसी की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और अपना जगह फाइनल में पक्का कर लिया। शनिवार को शुरू हुए मैच में वाराणसी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इलाहाबाद की पूरी टीम 39 ओवरों में 162 रनों पर सिमट गई। वहीं इलाहाबाद की ओर से अभिषेक यादव ने 59, यश दयाल ने 21 रनों का योगदान दिया, जबकि यादवेंद्र ने 19 रनों का योगदान दिया। वहीं वाराणसी के अविनाश यादव ने 4, आशीष यादव ने 2 तथा यशोवर्धन और अविनाश यादव ने 2-2, जबकि शमसूल और आमिर हसन ने 1-1 विकेट लिए तथा वाराणसी की टीम ने 32 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 163 रनों के लक्ष्य को पूरा कर लिया। आपको बता दें कि आशीष सिंह ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 74 रन बनाए तथा मृत्युंजय यादव ने 30 रन, जबकि सावन ने 14 रनों का योगदान दिया। वहीं इलाहाबाद के शुभम ने 2 विकेट लिए, अटल, अमर और अभिषेक ने 1-1 विकेट लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वाराणसी के अविनाश यादव को ट्रॉफी और नगद राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर भारतीय हैंडबॉल संघ के संयुक्त सचिव रजत आदित्य दीक्षित, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रंजना गुप्ता, राजशेखर, लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर मनोवर, यशवीर सिन्हा, प्रेम शाही, अजीत श्रीवास्तव, आदित्य शुक्ला, बावला, राकेश शुक्ला, मिर्जा आलमदार, पंकज मिश्रा, मनीष सिंह, सर्वेश श्रीवास्तव, अरविंद मिश्रा, मुन्ना, विनय चंद्र कौशिक, गुलाम साबिर, तारिक सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साहब के जाने की बात नहीं, देख रहे हैं।